हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं आज के या फिर इस महीने के या फिर ओप्पो के सबसे बड़े स्मार्टफोन के बारे में, और ये है ओप्पो फाइंड एक्स। दोस्तों, काफी हफ्तों से सब जगह अनाउंसमेंट, रूमर, सब कुछ चल रहा था कि नया स्मार्टफोन आ रहा है, जहां पर काफी चैनल्स के ऊपर ये भी अफवाहें फैली थी, मतलब कि इस फोन के अंदर आपको मिलेगा 15 मिनट के अंदर फुल चार्जिंग फीचर, वायरलेस चार्जिंग। लेकिन यहां पर ये कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर ऑफिशियली आज इस फोन का लॉन्च है शाम में पेरिस में, लेकिन वर्ज ने इसको हर जगह से कवर कर दिया है। हालांकि ये हो सकता है उनके लिए एक्सक्लूसिव कवरेज। और यहां पर अगर हम बात करें ओप्पो फाइंड एक्स की, तो ये वर्ल्ड्स पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। ऑफिशियली उन्होंने मार्केट किया था 93.8% का, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ज आर्टिकल यहां पर आपको मिलता है 92.25% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। फिर भी वो काफी बढ़िया है, मोर देन 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर आपको मिलता है नो नॉच, मतलब जो नॉच आपको आजकल के सारे स्मार्टफोन्स में मिलता है वो यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट किया है ओप्पो ने। जैसे वीवो भी आजकल नए नए ट्रेंड्स लेके आ रहा है, यहाँ पर ओप्पो ने भी एक बहुत ही नया काम किया है। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलता है ओलेड डिस्प्ले जो है 6.4 इंचेस का ओलेड डिस्प्ले, और आपको ड्यूअल कर्व एजेस भी मिल जाते हैं। अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, तो यहाँ पर आपको मिलता है कर्व ग्लास पीछे की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलता है फिंगरप्रिंट रीडर। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओप्पो की नई स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि अगर आपको ध्यान है कुछ हफ्तों पहले ओप्पो ने इंडिया के अंदर एक सब ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम था रियलमी। उनका पहला मॉडल था रियलमी 1 स्मार्टफोन, जिसके अंदर भी उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया। और मुझे लगा कि ये इसीलिए किया है क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएट करना था अपने उस स्मार्टफोन को दूसरे स्मार्टफोन से, जिससे उनको अलग एक्सपीरियंस दे सकते थे जहां पर नो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो। लेकिन ओप्पो फाइंड एक्स के अंदर भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। और अगर आपको अपना फोन अनलॉक करना है तो आप यूज कर सकते हैं उनका फ्रंट कैमरा। और फ्रंट कैमरा कैसे मिलेगा, क्योंकि यहां पर नॉच भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन डिजाइन है, तो आपको मिलेगा एक पीछे की तरफ से स्लाइडर। और जैसे आप इस स्लाइडर को ऊपर करेंगे कुछ इस तरह, जैसे आप यहां पर डेमो देख रहे हैं, तो आपको फ्रंट कैमरा दिख जाएगा जिससे आप 0.5 सेकंड के अंदर फोन को अनलॉक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, थोड़ा सा इतना कन्वीनियंस फैक्टर से अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे हम इस फोन को यूज करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कैसा है फीचर। इनफैक्ट अगर आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे तो इंडिया के अंदर भी ये फोन लॉन्च हो रहा है 12th of July को, ऑलमोस्ट आई थिंक 20 डेज के बाद में, तो 20 दिन के बाद इंडिया के अंदर ये फोन लॉन्च हो रहा है। और यहां पर अगर हम बात करें कैमरा की, तो यहां पर पीछे की तरफ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप। और अगर हम फ्रंट की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का कैमरा। और यहां पर कुछ रूमर्स ये भी थे कि इस फोन के अंदर आपको मिलेगा 5x का ऑप्टिकल जूम। अभी ये कंफर्मेशन हमें बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर एक्चुअली है ये फीचर या नहीं है, क्योंकि वर्ज के आर्टिकल के हिसाब से इसमें यहां पर कोई ऑप्टिकल जूम अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि शाम में आज ऑफिशियल अनवीलिंग होगी, तब हमें पता चलेगा कि ये फीचर एक्चुअली मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, तो यहां पर आपको मिलता है ड्यूअल सिम का सपोर्ट जो है, ग्लोबल LTE का सपोर्ट। और अगर हम हार्डवेयर की बात करें, तो यहां पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट, 8GB का रैम और अप टू 256GB का स्टोरेज। और अगर हम दूसरी चीजों की बात करें, तो यहां पर आपको 128GB का भी वेरियंट मिल जाएगा और 3730mAh की बैटरी कैपेसिटी। जो वूक फ्लैश चार्ज सपोर्ट है इनका, जो इनका फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और अगर हम बात करें एंड्रॉइड की, तो यहां पर एंड्रॉइड 8.1 ओरियो आपको मिल जाता है। और ये पहला स्मार्टफोन है ओप्पो की तरफ से जो US में, मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर ऑन सेल जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज इसीलिए है क्योंकि दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आज तक सारे फोन्स ओप्पो ने या फिर OnePlus ने या फिर Vivo ने, मतलब जो पेरेंट कंपनी BBK ने, सिर्फ चाइना, इंडिया या फिर इस एशियन कंट्रीज में ही लॉन्च किए थे, लेकिन सिर्फ US के लिए उन्होंने एक्सक्लूसिवली रखा था OnePlus ब्रांड को। लेकिन विद दिस ओप्पो फाइंड एक्स अब वो US में भी ओप्पो को लेके जा रहे हैं। यहां पर अब हो सकता है फ्यूचर में काफी सारा कंफ्यूजन, या फिर OnePlus की प्राइसिंग रहेगी थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव और ओप्पो की प्राइसिंग रहेगी ज्यादा हायर प्राइस, तो हो सकता है उस हिसाब से थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। लेकिन ये है फर्स्ट स्टेप ओप्पो की तरफ से US के अंदर। और अगर हम बात करें कुछ चीजें जो मुझे लगी थी कि इस फोन के अंदर आ सकती हैं, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट हमें सुनने में रहा है इंडिया के अंदर इसका रहेगा अराउंड 45,000 to 50,000 rupees, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां पर आपको मिलेगा वाटरप्रूफ फीचर जो अवेलेबल नहीं है, यहां पर वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलेगा जो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फीचर्स मिसिंग है। अगर आप सोचेंगे कि क्यों मिसिंग है, क्योंकि ये तो वैसे OnePlus भी नहीं दे रहा है, बट यार यहां पर ये 35,000 का फोन है, वो वहां पर 45,000 या 50,000 का फोन है, तो अगर आप 50,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास जा रहे हो तो आप सैमसंग को टक्कर दे रहे हो। और उस प्राइस पॉइंट के ऊपर, मतलब सैमसंग के जो 55-60,000 के फोन है, वहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और
वाटरप्रूफिंग भी मिल जाती है। लेकिन देखते हैं इंडिया के अंदर ओप्पो कुछ खास करेगा, क्या लेके आएगा स्पेशल इस मार्केट के अंदर। आप भी दोस्तों मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है ओप्पो को किस प्राइस पॉइंट के ऊपर फाइंड एक्स को लॉन्च करना चाहिए इंडिया के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, हमारी अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी जिस दिन भी ये फोन लॉन्च हो रहा है, और कुछ सरप्राइजेस भी जैसे आपको हर अनबॉक्सिंग के साथ मिल जाती हैं। ये था एक क्विक ओवरव्यू, एक कंफर्मेशन कि ओप्पो फाइंड एक्स आ गया है और इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा। बस इतना सा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब रहिए फोन रखो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।